वारंटी कार्ड दिया हुआ है, प्लग एंड प्ले केटीएम, और डेट ये जिस डेट को मैंने ऑर्डर किए थे वो, और ये ऑर्डर मेरा ऑर्डर नंबर। चलिए वारंटी कार्ड इसको साइड में रख देते हैं। और ये है भाई फ्लैशर हमारा, वाह क्वालिटी तो बहुत सही है। इसके अंदर देखते हैं शोर है कि नहीं। साथ में एक जिप टाई दी है चेस्सी के साथ बांधने के लिए, इसको चेस्सी के साथ बांधने के लिए। तो चलो अब बाइक में इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीट ओपन करेंगे। ये जो दिख रहा है ना सीट ओपन करने के बाद, इसको आपको पुल करना है, ओपन हो जाएगा। तो इसको ये जो नट है ना यहाँ पे लगेगा, चार नंबर का एलन की का नट है ये, तो चार नंबर की एलन की लगेगी यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए। एलन की का नट हमने यहाँ से निकाला, उसके बाद ये निकलेगा यहाँ पे, ऐसे करके लगा था यहाँ पे। हमें एक्चुअली आधा घंटा लगा गाइस, हमारा जो एलन की का नट था और उसकी जो साथ में होती है कैप, जैसे वो नीचे गिर गई थी तो बैटरी रिमूव करके निकाले। तो गाइस आप ये गलती मत करना, पहले इसको पकड़ लेना ध्यान से, नहीं तो फिर आपको बैटरी रिमूव करके निकालना पड़ेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो फ्लैशर है वो कैसे इंस्टॉल करने हैं। आपको क्या करना है, ये जो नीचे से वायर गई है ना यहाँ पे लेफ्ट, जो आपका हैंड लीवर है ये जो वायर गई है, ये आपको पुल करनी है ऊपर की तरफ पे। उसको पुल करोगे तो नीचे कपलर्स होंगे, मैं उनको निकाल के आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हैं दो कपलर्स, रेड और वाइट। ये यहाँ पे एक्चुअली जिप टाई लगी होगी, क्योंकि ये इस साइड के जो वायरिंग है और इस साइड की वायरिंग है, ये दोनों आपस में अटैच होंगी ताकि निकले ना बाहर। तो आप इसकी जिप टाई काट लेना, और उसके बाद दोबारा मतलब जो इसके साथ मिली है फ्लैशर के साथ, उसके साथ टाई कर देना। तो इनको आपको क्या करना, अनप्लग करना है दोनों को, ये रेड और एक ये वाइट। ये जो कपलर्स हैं ये ओपन कर लेने हैं जैसे मैंने कर लिए हैं, एक ये रेड कलर का और एक वाइट। यहाँ से देख लेनी आपने जो वायरिंग आएगी वहाँ पे होंगे रेड और वाइट, इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिए ये, जैसे मतलब मेल वो एक इन है और एक आउट है, तो उस तरह से आपने लगा देने हैं, नॉर्मल है फिटिंग बिल्कुल। और उसके बाद इसको चस्सी के साथ जिप टाई कर दें, इसको सब कुछ प्रॉपर बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ और उसके बाद आपको पैटर्न्स वगैरह सब कुछ बताता हूँ। अगर फ्लैशर सही से इंस्टॉल हुए हैं तो की ऑन करने पे ये ब्लिंक करेंगे, तो चलो देखते हैं। अभी ब्लिंक हुए गाइज, इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर इंस्टॉल हो गए हैं। तो गाइज अब बताते हैं आपको कि पैटर्न कैसे चेंज करने हैं। तो पहले सबसे आपको क्या करना है कि ये जो है इंडिकेटर बटन, इसको लेफ्ट राइट सेंटर आपको करना है, लेफ्ट राइट सेंटर। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गए हैं ये। और अगर आपको पैटर्न चेंज करना है तो भी आपको लेफ्ट राइट सेंटर पैटर्न चेंज हो जाएगा। और अगर आपको प्रीवियस पैटर्न लाना है कि आप जो आपको पीछे वाला पैटर्न था वो चाहिए, तो उसके लिए आपको राइट लेफ्ट सेंटर ऐसे देख सकते हैं आप। आपको सामने से बताते हैं फ्रंट और रेयर व्यू में कैसे दिख रहे हैं, और थोड़े से सिनेमैटिक देख लो उसके बाद। गाइस देखो जैसे फ्लैशर्स ऑन है और आपने ऑफ करने हैं फ्लैशर्स, तो वो कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि या तो लेफ्ट या राइट और फिर सेंटर, जैसे आपने ऑफ करना तो किसी भी साइड का लगा देना एक इंडिकेटर, और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे ऑफ हो गए हैं वैसा, अगर आपने राइट और सेंटर की है तो भी ऑफ हो जाएंगे। और भाइयों एक बात बता दूं कि मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है ये सब, इसका सेटअप ओपन और सब कुछ करने में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप वीडियो सभी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, और लाइक कर दो और शेयर तो कर ही देना ना भाई, इतनी मेहनत लगी है तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।